हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे बियर्डो के माफिया ओदे परफ्यूम का। ये मैंने बियर्डो की वेबसाइट से ठग लाइफ कॉम्बो ऑफर में खरीदा था। इसके साथ मुझे तीन और परफ्यूम मिले थे, विस्की स्मोक बर्बन और मरीनर। मैंने इन सबका रिव्यू नहीं बनाया, थोड़ी सी देरी हो गई, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि जो अगले जो वीडियोज आएंगे माफिया के बाद, उसके बाद मैं मरीनर का और विस्की स्मोक बर्बन का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू आप तक लेकर आऊंगा। विस्की स्मोक का मैंने ऑलरेडी 100 ml की जो बॉटल है उसका मैंने रिव्यू बना रखा है। ये 50 ml है, इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल वैसी है जैसे कि 100 ml में मिलती है, इसलिए मैं इसका रिव्यू नहीं बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं फिर भी कि ये 50 ml की बॉटल का रिव्यू बने तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ये सभी बॉटल्स 50 ml की हैं। ये सब मैंने एक ठग लाइफ कॉम्बो ऑफर में खरीदा था। इनकी जो कुल मिला के कीमत थी इस पूरे पैक की वो थी 999 रुपीज़। तो मुझे करीब करीब 250 रुपये की हर बॉटल पड़ी थी, हर फ्रेग्रेंस 250 रुपीज़ की पड़ी थी। रिव्यू में हमेशा की तरह जो एजेंडा है हमारा वो सेम रहेगा। एक नज़र डालेंगे पैकेजिंग और बॉटल डिजाइन पर और फिर गहराई में बात करेंगे नोट प्रोफाइल, परफॉर्मेंस, यूजेज, किस एज ग्रुप के लिए सही है, किस सीजन में बेस्ट सूटेड है और फाइनली क्या ये आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। पैकेजिंग की बात करें तो बाकी परफ्यूम्स की जैसी है, सामने और पीछे की तरफ बियर्डो माफिया इसका परफ्यूम कंसंट्रेशन ओदे परफ्यूम है, क्वांटिटी 50 ml प्रिंटेड मिलती है। बॉक्स पर नोट प्रोफाइल कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। बाकी जो बाकी कॉमन इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि इसमें एक टैगलाइन है, डायरेक्शंस, कॉशन, इंग्रेडिएंट, मार्केटेड बाय, मैन्युफैक्चर्ड बाय, इसकी प्राइस 999 रुपीज़, इसकी शेल्फ लाइफ, एक बैच नंबर और एक बार कोड, इसकी नेट क्वांटिटी 50 ml, ये सब इन्फॉर्मेशन बॉक्स में मिलती है। बॉक्स जो है वो थोड़ा थिक है, अच्छा खासा इन्होंने प्रोटेक्शन के साथ दे रखा है इसको, ये देखें। तो इसमें बॉटल सेफ रहती है ट्रांसपोर्ट के टाइम पर, प्लस अगर आप इसको यूज करने के बाद स्टोर करना चाहते हैं तो काफी प्रोटेक्टिव बॉक्स है। परफ्यूम बॉटल की बात करें तो रेड कलर की ग्लास बॉटल है। इनिशियली मुझे लगा था कि कहीं ये गॉडफादर की 50 ml तो नहीं आ गई। सामने वही सब इन्फॉर्मेशन है जो पैकिंग पे मिलती है, बियर्डो माफिया ओदे परफ्यूम और क्वांटिटी 50 ml प्रिंटेड है। नीचे इसके एक स्टिकर है जिसमें वही सब इन्फॉर्मेशन है जो बॉक्स पर अवेलेबल है। बैक साइड पर देखें तो यहाँ पर एक बैच नंबर, शेल्फ लाइफ इन्फॉर्मेशन और इसकी MRP प्रिंटेड है। कैप इसकी प्लास्टिक की है लेकिन ग्रिप अच्छी है। इन ऑल बात करें तो ये कैप और ये जो बॉटल डिजाइन है इन सबका सेम है और काफी प्रीमियम फील देती है इसको। एटमाइजर की बात करें तो एटमाइजर काफी डिसेंट है, काफी अच्छा तो है, हर स्क्वीज में अच्छा जूस रिलीज करता है, लीक नहीं करता। 50 ml की ये बॉटल में इस एटमाइजर से आपको 400+ स्प्रेस आराम से मिल जाएंगे। आइए दोस्तों इसकी नोट प्रोफाइल समझे। काफी अच्छा, बहुत डिसेंट हो है इसका, खुशबू भी बहुत प्यारी है। कंपनी द्वारा दी गई नोट प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से है। टॉप नोट्स में लेमन और पाइनएप्पल का ब्लेंड मिलता है, मिड नोट्स में वायलेट, एप्पल और पचूली का ब्लेंड मिलता है और बेस नोट में एम्बर और सीडर वुड का ब्लेंड मिलता है। इनिशियल स्प्रे पर परफ्यूम से एक प्यारी सी सिट्रसी फ्रेश स्वीट फ्रेग्रेंस फील होती है। ये फ्रेग्रेंस ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, माइल्ड है लेकिन एकदम हल्की भी नहीं है। लेमन और पाइनएप्पल के सिट्रसी नोट एक फ्रेशनेस के साथ हल्का खट्टापन भी प्रोवाइड करते हैं। एप्पल की स्वीटनेस फील होती है। इसमें एक पाउडरी नोट है जो कि वायलेट से मिलता है और बेस नोट में एम्बर और वुडी नोट्स जैसे सीडर वुड इसको फिर से स्वीट, स्पाइसी, सिट्रसी फ्रेशनेस प्रोवाइड करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक ठाक है इस प्राइस रेंज में। अगर 999 रुपीज़ की आप लेते हैं तो ठीक ठाक है। मैंने इसको 250 रुपीज़, जैसे मैंने बताया 999 की चार खरीदी थी, तो 250 रुपीज़ के हिसाब से ठीक है। तो इन ऑल बात करें तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको 4+ आवर्स तक की महसूस होती है। प्रोजेक्शन इसकी 30 से 45 मिनट की है। पहले 1 से 2 घंटे तक आपको और आपके इर्द गिर्द लोगों को आराम से महसूस होगा, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस वीक हो जाती है और फाइनली आपके कपड़ों में छिप जाती है। फिर आपको इसको वापस टॉपअप करना पड़ेगा और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको अपने साथ लेके चलें। छोटी सी प्यारी सी बॉटल है, आराम से आप इसको वापस टॉपअप जब करेंगे, वापस जब अपने पे लगाएंगे तो इसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल सकती है। यूजेज की बात करूं तो ये इवनिंग या नाइट टाइम को टारगेट करती है। इनफॉर्मल ओकेजन्स, पार्टीज, दोस्तों से मिलना, डेट पर जाने के लिए स्पेशली बहुत प्यारी सूटेड है। एज ग्रुप की बात करें तो ये फ्रेग्रेंस यंग क्राउड को टारगेट जरूर करती है लेकिन ये सभी एजेस में अच्छी लगेगी। और सीजन की बात करें तो फ्रेश फ्रेग्रेंस है, लेमन, पाइनएप्पल ये जो है नोट्स फ्रेश है, इसलिए समर्स के लिए बेस्ट है। अब टाइम की बात करें तो समर इवनिंग या समर नाइट्स में बेस्ट सूट करेगी ये। दोस्तों ये फ्रेग्रेंस जो है एक पॉपुलर डिजाइनर फ्रेग्रेंस है, वर्साचे इरोस, उससे इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड कहूंगा मैं क्योंकि क्लोन आजकल अच्छा नहीं सुनाई देता और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अक्सर इंस्पायर्ड हो जाते हैं एग्जिस्टिंग ब्रांड से, न कि अपना मास्टरपीस बनाए। ये मेरा अपना व्यू है। ऐसे ही एक और इंस्पायर्ड वर्जन बनाया है वाइल्डस्टोन ने, वाइल्डस्टोन की रेड जो है, ये देखें इसका कलर भी बिल्कुल उन्होंने वैसे ही बनाया जैसे इसका है और इसकी जो नोट प्रोफाइल है वो भी बिल्कुल वर्साचे इरोस की कॉपी है। साथ ही में दोस्तों वाइल्डस्टोन ने एक और
कोड सीरीज में कॉपर बनाया था। ये लिक्विड डिओडरेंट है और ये भी वर्साचे इरोस की ही नोट्स हैं। प्राइस रेंज में काफ़ी फ़र्क है। जहाँ बियर्डो का माफिया है वो 999 रुपीस में 50 ml है, वहीं पर वाइल्डस्टोन का ये जो 30 ml का पैक आता है ये 249 रुपीस में आता है। और अगर मैं कोड सीरीज़ की बात करूँ तो ये 275 रुपीस में 120 ml मिल जाता है। इन सभी की फ्रेग्रेंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट टू अ लेमैन हमें इतनी आराम से पता भी नहीं चलेगा कि क्या डिफरेंस है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको वर्साचे इरोस की कोई एक सस्ता वर्जन लेना है तो आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मेजर डिफरेंस सिर्फ कीमत का है। अब बात करें कि आपको ये फ्रेग्रेंस खरीदनी चाहिए या नहीं, तो देखिए फ्रेग्रेंस अच्छी है। परफॉर्मेंस की जो कमी है वो सिर्फ इस परफ्यूम के साथ नहीं है, वो हर परफ्यूम में फील होगी। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, तो या तो आप इसको अपने साथ लेके चलें या इसको डिकैंट कर दें 5 या 10 ml के पैक में और फिर उसको रीअप्लाई करते रह सकते हैं ताकि आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल सके। अगर 999 या 249 आपको थोड़ा महंगा लगता है तो आप ये वाइल्डस्टोन कॉपर जो कोड सीरीज का है ये ले सकते हैं और इसमें आपको 120 ml का लिक्विड डिओडरेंट मिल जाता है और ये ऑनलाइन लेंगे तो काफ़ी सस्ती प्राइस में मिल जाता है। अदरवाइज एक और अल्टरनेटिव है वाइल्डस्टोन का रेड। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपने परफ्यूम यूज़ कर रखी है तो अपनी राय जरूर बताएं, अपने सवाल मुझे कमेंट जरूर करिए, चैनल के इंस्टाग्राम पेज से जुड़ें। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू और अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।